दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है पीएसएल के इस खास वीडियो में। दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पीएसएल निवेशकों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब से सेबी ने नई वेबसाइट ओपन की है, यानी कि जिस पर स्टेटस आप देख सकते हो PSLrefund.co.in पर जाकर के, वहां पर स्टेटस भी पूरी तरीके से आप लोग चेक नहीं कर सकते। आखिर सेबी चाहता क्या है? 10,000 से ऊपर वालों का कोई पैसा नहीं आया, ऊपर वालों को तो छोड़िए, 10,000 से नीचे वालों तक का भी अभी कोई पैसा रिफंड नहीं हो रहा है। और जो लोग स्टेटस चेक करने के लिए सेबी की वेबसाइट पर जाते हैं और उनका 10,000 से ऊपर का अमाउंट है या 10,000 से नीचे तक का अमाउंट है, तो अब उनको स्टेटस भी पूर्ण रूप से नहीं दिखा रहा है। और एडिट के ऑप्शन की हम बात करें तो पहली तो बात, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और एडिट का ऑप्शन यदि आ भी रहा है तो उसमें एडिट भी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। और यदि एडिट का ऑप्शन खुल भी जाता है तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड नहीं हो रहे। आखिर सेबी ये किस तरह का खिलवाड़ पीएसएल के निवेशकों के साथ कर रहा है? तो दोस्तों अब बात उठती है, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? अब आप लोग समझते हैं कि जितने भी ये समिति बनी हुए है या जितने भी पीएसएल निवेशकों के लिए संगठन बने हुए हैं, इनके द्वारा ही पैसा निकलेगा। ये लोग जैसे कहते हैं आप लोग चलते बनते हो। पहले हम बात करते हैं कि इतने सारे संगठन बन रहे हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि पीएसएल के निवेशकों का पैसा मिले, चाहे वो एआईएस संगठन हो, चाहे वो भारतीय निवेशक हो, या फिर आपका आपकी पीएसएल की कोई समिति हो, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो आप लोगों को पैसे दिलवाने का दावा करते हैं। अब आप लोग कहते हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये महेंद्र सिंह दानगढ़ जी, रवि गौतम जी, अमित गर्ग जी, विकास त्रिपाठी जी और रामदेव गौतम जी, ये सब एक साथ इकट्ठे होकर के समिति बनाई थी भारतीय लोक सेवा दल, उसका क्या हुआ? और अब ये सब लोग अलग अलग है, किसी की कोई बयानबाजी भी नहीं आती, केवल एक अमित गर्ग जी का ही कभी कभी वीडियो दिखा देते हो आप, तो विकास त्रिपाठी जी, रामदेव गौतम जी, ये सब एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो फूट इन लोगों के अंदर पड़ी हुई है, जिस कारण से आगरा का ऑफिस खोल करके अमित गर्ग जी अकेले आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब ये लोग अपनी अपनी समिति बनाकर बैठ गए हैं, अब क्या हो रहा है, क्यों एक मंच पर नहीं आ रहे, ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी, हमें भी नहीं है, क्योंकि हमने एक दो बार वीडियो के माध्यम से पूछा, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। यदि अभी भी वे लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि वे लोग इसको बताए पीएसएल निवेशकों के, आखिर आप सब एक मंच पर क्यों नहीं है? जब इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने दिल्ली के अंदर किया, जंतर मंतर पर किया, आप सब इकट्ठे थे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आप सब लोग अलग हो गए? तो एक एक करके तो ताकत कमज़ोर होती जाएगी। अब अमित गर्ग जी को ले लीजिए, आगरा का ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, मगर अकेले नजर आ रहे हैं, उनके साथ में विकास त्रिपाठी जी या और संगठन के पदाधिकारी लोग नहीं दिख रहे हैं। अब निवेशकों के मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है, आखिर कैसे होगा? ये लोग कभी भी समिति को तोड़ देते हैं और कभी भी नई समिति का गठन कर देते हैं, तो किस पर विश्वास किया जाए? तो देखिए, मैं इसमें मात्र एक अमित गर्ग या विकास त्रिपाठी या महेंद्र सिंह दानगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सभी ऐसे संगठन के पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ जो पीएसएल का पैसा दिलवाने की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो वीडियो आती है वही हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। ये क्वेश्चंस पीएसएल के उन पीड़ित निवेशकों के हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जो आप लोगों से पैसे दिलवाने की उम्मीद कर रहे थे। ये अलग अलग संगठन आखिर क्यों, अलग अलग समिति आखिर क्यों? मगर फिर भी कोई ना कोई, चलिए अमित गर्ग जी की हम बात ले लेते हैं, तो अमित गर्ग जी कम से कम आगरा का ऑफिस खोल करके आप लोगों को बुला तो रहे हैं, आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात तो कर रहे हैं, मगर उन लोगों का तो कुछ पता ही नहीं कि वे लोग साथ क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जानकारी दें। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10,000 के ऊपर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसे के बदले में जो प्लॉट देने की बात की जा रही है, क्या वो सही है? क्या अब सेबी आप लोगों का पैसा नहीं देगी, केवल प्लॉट देगी? और प्लॉट देगी भी तो कहाँ देगी? और 10,000 रुपये में जो बात की जा रही है कि प्लॉट दे दिया गया है, कहाँ दे दिया गया है, कुछ भी इसके बारे में जानकारी सेबी नहीं दे रही है। ये सब कुछ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक रणनीति चल रही है। आखिर जब सेबी प्लॉट आवंटन कर रही है तो
पूरी डिटेल से सेबी को देनी चाहिए कि आपको 10,000 रुपये में वहाँ पर प्लॉट दिया गया है। ऐसी भारत के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पर 10,000 रुपये में 50-100 गज का प्लॉट आ जाएगा? मुझे तो लगता नहीं कि एक गज से ऊपर की ज़मीन 10,000 रुपये में आ जाएगी। फिर 10,000 रुपये की चलिए हम बात मान लेते हैं सेबी की प्लॉट दे रही है, तो उनका क्या होगा जिनके 50,000 है, 1,00,000 है, 2,00,000 है, उनको कितने प्लॉट दिए जाएंगे? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। 2 नंबर दे रखे हैं सेबी ने कस्टमर केयर के लिए, उन 2 नंबर पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, उन 2 नंबर पर यदि कॉल करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि नोडल ऑफिसर के पास मेल करें। अरे नोडल ऑफिसर के पास तो हज़ारों की संख्या में मेल जा चुके हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। आखिर निवेशक करे क्या, जाए क्या, इसका समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन कराएगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन से हैं जो आप लोगों के मन में लगातार चल रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि आप लोग ऐसा करें तो आप लोगों का इस तरह से पैसा मिल सकता है, मगर ये सब जानकारी सेबी की जो वेबसाइट पर आती है या जो हमें समिति के माध्यम से या जो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं उनके द्वारा जो भेजी जाती है वे ही हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोग जागृत हुए रहें, आप लोग उस लड़ाई में आगे बढ़ सको जिस लड़ाई में दूसरे लोग पीएसएल निवेशकों का पैसा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है आप लोगों के मन की कि पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखिए अब इसका एक ही समाधान है जो आप लोगों को करना होगा, और मैं आप लोगों को शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक एकत्र नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब अमित गर्ग जी ने आप लोगों के लिए आज की मीटिंग भी रख रखी है, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने की बात कराई थी और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कराई थी वो लेख मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है और आर पार की लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जीपीएसएल की ला रहा हूँ। इस न्यूज़ में आपको ये वीडियो पूरी देख करके अमित गर्ग जी का साथ देना है, और अमित गर्ग जी जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं बस एक यही माध्यम है यदि आप लोगों को न्याय चाहिए तो, और यदि आप लोग पीछे हट जाते हैं तो कोई माइकल लाल आप लोगों को न्याय दिलाने वाला नहीं है। बात ज्यों की त्यों हो जाएगी, जितने लोगों का पैसा मिल चुका बाकी प्लॉट के नाम पर सब धरे जाएंगे और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि प्लॉट मिला भी है या नहीं मिला है। यस जिसने कर दिया अब उसका केवल सॉल्यूशन यही निकाला है सेबी ने कि सबको प्लॉट देने की बात कर दी जाए और प्लॉट का पता ना चले कि प्लॉट है कहाँ। तो दोस्तों आपको मैं ये अमित गर्ग जी का लिखा हुआ एक संदेश सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस संदेश को सुनिए और फिर फैसला कीजिए। कभी भी आप आगरा के ऑफिस में जाइए 11 बजे के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए, और जो यदि आपकी सहमति होती है तो अमित गर्ग जी से बात कीजिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और अपना पैसा वापसी लिया जाएगा और सेबी के खिलाफ लड़ा जाएगा। तो दोस्तों आइए मैं सुना देता हूँ आपको अमित गर्ग जी की वो ज़रूरी सूचना जो आप लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, आम जन कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के सभी निवेशक और एजेंट साथियों से सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा कमेटी और सेबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने हेतु सभी को संगठित करने कार्य कर रही है। जो डाटा सेबी एवं कंपनी द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया उस डाटा को आम जन कल्याण समिति के द्वारा एकत्र किया जा रहा है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों की भुगतान की संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास किया जा सके एवं सेबी को उसकी औकात बताई जा सके। अतः यदि आप जागरूक हैं, अपने निवेशक के प्रति वफादार ईमानदार हैं तो एक बार सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में अपनी भागीदारी अवश्य निभाए। आमजन कल्याण समिति के सदस्य बनकर अपने निवेशकों का डाटा जमा कराएं। यदि आपके बॉन्ड ऑफिस में जमा है तो रसीद की फोटोकॉपी, यदि ऑनलाइन बॉन्ड जमा कर दिया है तो ऑनलाइन रसीद की फोटोकॉपी, यदि बॉन्ड आपके पास है तो बॉन्ड की फोटोकॉपी उपरोक्त आप जमा करा सकते हैं। विस्तार से रणनीति पर विचार हेतु समस्त सीनियर जूनियर निवेशक सादर आमंत्रित हैं और ये मीटिंग आज हो रही है 23 जनवरी 2021 शनिवार को सुबह 11 बजे। दोस्तों पल्स ऑफिस आगरा निकट तुलसी सिनेमा भगवान टाकीज पर हो रही है, और जब भी आपको जमा कराने हो डॉक्यूमेंट्स तो आप कभी भी किसी भी दिन जाकर के डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट में डाटा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को सेबी बेवकूफ़ ना बना सके और आप लोगों का पैसा वापसी करा सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।